कि जैसा हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उसी के अनुरूप जो अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है वो उससे पूरी तरह से मैच करता है। और जैसा कि चुनाव के दौरान भी हमने महसूस किया कि देश की राजधानी दिल्ली की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के युग के जो सबसे प्रभावी नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी के प्रति और भाजपा की नीतियों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा का और सम्मान का भाव है, बहुत ज़्यादा विश्वास है भाजपा की नीतियों में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भारत की राजधानी को भी उसी दिशा में तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में नरेंद्र मोदी जी भारत को बहुत तेजी से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो जनता को जाता है, जनता के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, फिर पार्टी का नेतृत्व जिसके मार्गदर्शन में और जिससे प्रेरणा लेकर पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह पूर्ण तरीके से काम करते हैं उन सबको जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये तो सामूहिक श्रेय होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के श्रेष्ठ कार्य को है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो हार के लिए और हार के बाद जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना है उसके लिए तैयारी पहले से कर रहे हैं और आज शाम तक उनका ये निश्चित रूप से बयान आ ही जाएगा कि मैं तो पहले से कह ही रहा था कि ये ईवीएम मशीन जो है इसके अंदर मोदी जी ने गड़बड़ी करा दी है, इसके कारण मेरी हार हुई है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है, असल में तो रेफरेंडम उन्हीं पे हो रहा था कि दिल्ली में 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली गलौच और कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स की। तो मैं समझता हूँ इससे उनको सीखना चाहिए और आगे के लिए दिल्ली के विकास के लिए काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। तो ये तो एग्जिट पोल में भी था और ये हम लोगों को भी मालूम था कि अगर चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर जाएगी, अगर चौथा होता तो चौथे नंबर पर जाती। वो अच्छा नहीं है उनके लिए स्टेटमेंट देना, ऐसे ईंट के ईंट किसकी ईंट से बजाएंगे मुझे ये नहीं समझ आता था।